तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोलम और आप लोग देख रहे हो क्रिएटिविटी गोलम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि आपको 5 टॉपिक कवर हो जाएगी। तो वो टॉपिक क्या है, तो चलिए सरसरी हम लोग यूट्यूब में चले जाते हैं। उसके बाद आप लोग जस्ट वेट करना फ्रेंड्स, मेरा डेटा ऑन नहीं है, ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। एंड उसके बाद आप लोग सिंपली होम पे चले आना। होम पे आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सर्च इंजन को जो बटन है वहाँ पर मैं कुछ सर्च कर लेते हैं। तो चलिए कॉमेडी वीडियो को सर्च कर लेते हैं। कॉमेडी सर्च कर लिया। तो सर्च करने के साथ साथ आप लोग कोने पे देख सकते हो एक फिल्टर नाम की एक लोगो दिखा रहा है, फिल्टर की लोगो ये वाला। तो इसको आपको कहीं पे चले जाओ, क्रोम में जाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको फिल्टर नाम के ऑप्शन ज़्यादातर मिल ही जाएगा। तो चलिए क्रोम पे जाके एक बार देखते हैं कि जो फिल्टर नाम की मतलब फिल्टर बटन देते हैं वो कैसा दिखता है। तो चलिए क्रोम में जाते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक मैंने उठा लिया, तो इसके रिलेटेड जितने वीडियो था वो आ गया। तो लेफ्ट कॉर्नर पर आप फिल्टर नाम के एक ऑप्शन देख सकते हो। तो ये फिल्टर आखिर है क्या, इसमें क्या है या क्या काम हो आ सकते हैं, तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस फिल्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सामने वाला पॉपअप खोल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखा रहे हैं, अपलोड डेट, टाइप, ड्यूरेशन एंड फ्यूचर एंड शॉर्ट बाय। तो अपलोड डेट ये क्या होता है, मतलब है कि आपने अगर जो टॉपिक सर्च किया है चाहते हो कि ये 2 दिन की पहले। तो गाइस, आप जिस टॉपिक को सर्च किया है उसके रिलेटेड वीडियो जितने था वो आ गया, लेकिन वो किसी वीडियो वो 1 साल पहले अपलोड किया गया था, किसी वीडियो 2 साल पहले अपलोड किया गया था। अगर आप लोग चाहते हो कि 2 महीने पहले या 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले का वीडियो ही मुझे चाहिए और ज़्यादा ओल्ड वीडियो मुझे नहीं चाहिए, तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है फ्रेंड्स, मतलब है कि अपलोड डेट लास्ट आवर मतलब कुछ घंटे पहले के जो वीडियो अपलोड हुआ था वो आप लोग मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, या 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या 1 मंथ पहले या 1 साल पहले। यहाँ पर 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है। और टाइप में आपको मिलता है वीडियो, चैनल या प्लेलिस्ट, मूवी या शो, मतलब जिस टॉपिक को सर्च किया है उसका रिलेटेड कुछ प्लेलिस्ट या मूवी आपको मतलब यूट्यूब में अवेलेबल होगा तो आपका सामने वो ला के देगा। और ड्यूरेशन की केस में सेम प्रोसेस है, मतलब कि अगर 4 मिनट का मतलब सिलेक्ट करोगे तो 4 मिनट का वीडियो अगर अवेलेबल होगा तो आपके सामने ला के देगा, और अगर 20 मिनट्स का अवेलेबल होगे तो भी इसको भी आपके सामने ला के देगा। और फ्यूचर में आपको देखने को मिलता है लाइव 4K HD सबटाइटल CC क्रिएटिव कॉमन्स। फ्रेंड्स, क्रिएटिव कॉमन एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब कि एक यूट्यूब का ऐसा लाइसेंस है जिस क्रिएटिव कॉमन का अगर वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जितने भी वीडियो आप लोगों सामने शो हो रहा है सब कुछ क्रिएटिव कॉमन्स का वीडियो है फ्रेंड्स। मतलब है कि आप इस वीडियो को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो ब्लॉग में हो या यूट्यूब चैनल में, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको कहता है क्रिएटिव कॉमन। एंड फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी बहुत मिलता है, 4K HD सबटाइटल CC 3rd HDR, मतलब बहुत ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। एंड शॉर्ट बाय में आपको तो सिंपली पता ही है, अपलोड डेट मतलब अप्लाई करके आप वीडियो ला सकते हो। व्यू मतलब जितना व्यू मतलब रैंक के हिसाब से आपको वीडियो को ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा उस 4 टॉपिक। अगर वीडियो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी अच्छा हुआ या थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चलता हूँ, मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।